वीडियो में हम हीरो मोटोकॉर्प का शेयर वैल्यूएशन देखेंगे और जानेंगे कि ये शेयर बार बार कितना क्यों जा रहा है। देखो 4000 का शेयर 2000 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों, और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब हम हीरो मोटोकॉर्प के साइट पर आ गए हैं। इसके बाद हम थोड़ा शेयर का वैल्यूएशन भी करेंगे, उसके बाद मैं आपका सेट आपके अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। देखिए ये कंपनी दोस्तों, ये हीरो साइकिल जो थी वो हीरो होंडा के साथ में जॉइंट वेंचर करके ये शुरू की थी इन्होंने। बाद में दोनों आगे चलकर कुछ सालों बाद में दोनों अलग हो गई थी, और बाद में हीरो ने अपना हीरो मोटोकॉर्प के नाम से एक अलग कंपनी उन्होंने शुरू कर दी थी। देखिए 2001 से देखिए पूरा वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के नाम पर 18 साल से देखो ये नंबर वन पर ही आ रही है, और कंटिन्यूसली अभी देखो इसमें 37 कंट्रीज में ये उनका अभी भी चल रहा है। देखो डॉक्टर पवन मुंजल जो चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने देखो पूरा 37 अलग अलग कंट्री में देखो पूरा एक्सपैंड किया हुआ है। और देखो इसका डोमेस्टिक सेल जो है पूरा 50% के ऊपर इनका ही मार्केट पूरा कैप्चर किया हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये टोटल नंबर वन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, 34 ईयर से पूरा एक्सीलेंस चल रहे हैं उसका। देखो 90 मिलियन टू व्हीलर्स उन्होंने बेच दिया अभी तक उसमें, और टोटल ओवर 6000 कस्टमर टच पॉइंट्स है यहाँ पर। तो ये एक मार्केट लीडर है दोस्तों पूरा इसमें, ऑटो सेक्टर में ये टू व्हीलर में ये एकदम मार्केट नंबर वन में। इसमें देखिए ये उन्होंने उनको देखो ये BS6 में यहाँ पर देखिए ये इंडिया फर्स्ट BS6 मोटरसाइकिल इनका इन्होंने शुरू कर दिया है यहाँ पर। इसमें देखो BS6 को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने शुरू किया है, जो कि पॉल्यूशन वगैरह कम करने के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये चालू किया है, तो ये फर्स्ट उन्होंने शुरू कर दिया है। इसमें देखो ये डॉक्टर पवन मुंजल को देखो यहाँ पर इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड भी उन्होंने मिला है हीरो एक्सपल्स 200 के लिए। दोस्तों चलो अभी यहाँ पर हम शेयर वैल्यूएशन करते हैं। कंपनी का देखिए मार्केट कैप है 44,747 करोड़, इसके नीचे देखो बुक वैल्यू दिया गया है 724.42 रुपीज़। उसके बाद में देखो रेड में देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, 93.64 ज़्यादा अच्छा है, बट ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी में। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखो 50.46 अच्छा है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 34.63 है, पर प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखो ये 35% के आसपास। प्लेज देखो कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ है शेयर। फिर करंट प्राइस देखो 2240 है, देखो एकदम लो के आसपास ही चल रहा है ये। और देखो स्टॉक PE देखो 13.31 है इसका, ये एकदम ठीक ठाक है। और डेट टू इक्विटी देखो यहाँ पर 0.02, इसको जीरो डेट कंपनी है, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी के अंदर। बाद में यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे 52 वीक हाई और लो देखो बताया है, 52 वीक हाई देखो 3022 था और लो देखो 2225 है। देखो इसका करंट प्राइस से कंपेयर करो तो एकदम सेम आसपास, देखो इसके ये लेवल पर आया था दोस्तों एक दिन पहले, ये 2227 तक आया था, फिर उसको देखो ऊपर गया है बाद में वापस थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। डिविडेंड नील देखो 3.88 चल रहा है, मतलब देखो एक डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा दे रही है ये। उसके बाद देखो क्वार्टरली पीएनएल में हमने की नज़र डालते हैं, December 18 को December 19 से कंपेयर करेंगे। देखो ये सेल देखो 7937 इसका करोड़ है, या फिर देखो December 19 में देखो 7075 होगा, नीचे गिर गया है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो 1109 करोड़ है, यहाँ पर December 19 में देखो 1058 करोड़ कम हो गया है। फिर बाद में यहाँ पर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 1150 था, ये भी 1044 करोड़ हो गया, ये सब देखो डाउन हुआ है। लेकिन देखो नेट प्रॉफिट में आप नज़र डालेंगे तो 775 करोड़ था और देखो 902 करोड़ होगा, ऐसा क्यों होगा इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। देखो नेट प्रॉफिट का देखो यहाँ पर टैक्स का रेट देखो ऊपर बताया गया, टैक्स का 33% है, यहाँ पर देखो यहाँ पर December 19 में 13.13% है। देखो टैक्स का रेट एक्चुअली यहाँ पर कम होने की वजह से इसको प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट अचानक बढ़ गया। देखो सब सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कम है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट ये ज़्यादा इसका होने का कारण यही है कि यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया है ना, इसलिए वजह से देखो यहाँ पर ये इसको प्रॉफिट ज़्यादा बता रहा था। प्रॉफिट ज़्यादा होने का कारण देखो तो उसका कोई काबिलियत की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के टैक्स को कम करने की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ा, तो भी एक माइनस पॉइंट ही है दोस्तों इसमें ये। और देखो EPS देखो 38.82 है, यहाँ पर 45.15 यहाँ पर EPS है, तो ये बढ़ गया, लेकिन ये नेट प्रॉफिट बढ़ने की वजह से हो रहा है।
उसके बाद देखिए ईयर ऑन ईयर ईयरली बेसिस पर देखो प्रॉफिट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो मार्च 14 में 25,275 करोड़ था, फिर 27,000 28,000 देखो बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर देखो 28,610, मार्च में देखो 32,000, फिर मार्च 19 में देखो 33,971, यहाँ पर देखो बढ़ता जा रहा है। और बाद में देखो नेट प्रॉफिट में आते हैं सीधा 2100, फिर 2300 आते हैं। 2014 में देखो 2100 है, उसके बाद मार्च 15 में 2300 हो गया, फिर 3100, फिर 3500, 3700, यहाँ पर देखो मार्च 19 में देखो कम हुआ है, मार्च 19 में कम हुआ, 20 में भी कम हो रहा है। तो मतलब ये 2 साल से देखो इसमें थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट हो रही है। फिर देखो इसका पूरा शुरू से लेके अब तक का चार्ट आप देखो यहाँ पर दोस्तों, इसने देखो टॉप बनाया था, देखो यहाँ पर बताया गया लिखा 3987 का देखो एकदम टॉप 4,000 के आसपास टॉप बना था, उसके बाद देखो कितना नीचे गिर गया है, 2200 के आसपास आज के तारीख में ये मिल रहा है। देखो ये 1 ईयर का चार्ट है, ये 1 ईयर का चार्ट आप देख सकते हो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे की वही 1 ईयर में तो काफ़ी गिरा है। देखो दोस्तों यहाँ पर चार्ट को आप देखोगे तो एक 286,290 तो एकदम आगे बढ़ा था, उसके बाद देखो यहाँ पर 2200 के आसपास ये मिल रहा है एक साल में। दोस्तों ये देखो मैं इसको हम हीरो मोटोकॉर्प को हम बजाज ऑटो के रिटर्न से कंपेयर करेंगे, मतलब देखो एक एक वीक में उसने क्या रिटर्न दिया है और एक मंथ में और पूरा अलग अलग टाइम हॉरिजन में हम कंपेयर करके देखते हैं। देखो हीरो मोटोकॉर्प देखो एक 1 वीक में -7.01 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि बजाज ऑटो ने सेम 1 वीक में -2.27 का नेगेटिव रिटर्न था इसमें। फिर 1 मंथ हीरो मोटोकॉर्प का देखो -7.31 था और बजाज का -1.29 था। वैसे ही हीरो मोटोकॉर्प देखो 3 मंथ में -9.3 था, वैसे ही बजाज ऑटो देखो -3.1% है यहाँ पर। वैसे ही हीरो मोटोकॉर्प देखो 6 मंथ में 16.08% था, बजाज ऑटो 11.7% का पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पर देखो बजाज का। हीरो मोटोकॉर्प देखो ये 1 ईयर में भी नेगेटिव है, 14.68 था, बजाज ऑटो देखो 10.3 का पॉजिटिव रिटर्न है। ऐसे हीरो मोटोकॉर्प 3 ईयर्स का देखो 27.8% का नेगेटिव रिटर्न है, यहाँ पर 3 ईयर्स में देखो बजाज ऑटो 9.72 का पॉजिटिव रिटर्न है। वैसे ही देखो हीरो मोटोकॉर्प देखो 5 ईयर्स में 15.78 नेगेटिव रिटर्न और बजाज ऑटो 38.71 का पॉजिटिव रिटर्न। वैसे हीरो मोटोकॉर्प 10 साल में देखो 33.36% का ही रिटर्न दिया, पॉजिटिव रिटर्न सिर्फ एक ही बार 10 साल में, और जबकि बजाज ऑटो देखो 238.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो बजाज ऑटो कितना स्ट्रांग दिखाई दे रहा है दोस्तों, जबकि बजाज ऑटो बहुत पीछे हुआ करता था हीरो मोटोकॉर्प से, लेकिन ये देखो आज के तारीख में आगे निकल गया है। इसके कारण के बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। दोस्तों ये इसके शेयर प्राइस गिरने का देखो 3 मेन कारण है दोस्तों। पहला कारण देखो सेल्स डिक्रीज बाय 11%, सेल्स डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट ऑफिट भी जो बढ़ा है वो भी इनके काबिलियत के पास वजह से नहीं बढ़ा है, क्योंकि टैक्स रेट कम होने की वजह से बढ़ गया है और पिछले एक साल में भी ये कम ही था दोस्तों, तो ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा देखिए नेगेटिव कमेंट्री बाय मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट ने खुद सामने से बताया कि तीन चार क्वार्टर तो कम से कम बोलता है ये दिक्कतें इनको आने वाली, सेल्स में दिक्कत रहेगी, डाउनफॉल रहेगा, तो ये ऑलरेडी सामने से बता रहे हैं, तो इसलिए देखो ये जो सामने से बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो सकता है, 1-2-3 क्वार्टर में ये एकदम डाउन गिरा रहेगा और भी गिर सकता है शेयर, इसलिए देखो शेयर का रेट गिरता ही जा रहा है, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने को तैयार ही नहीं है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखो फोकस ऑन BS6 इंस्टीड ऑफ EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से देखो BS6 इन्होंने यहाँ पर पूरा अपडेट करके लॉन्च करने का बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने इस पर ही फोकस कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में EV जो कि बजाज और उसके कॉम्पिटिटर लोग उसमें इसमें पूरे तैयारी के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन इनका देखो काम पूरा हुआ नहीं, इन्होंने खुद इसमें न्यूज़ में आया था दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि आगे के सेटअप के लिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए ये सब होना चाहिए ना सेटअप, तो इन्होंने सेटअप अभी तक रेडी नहीं है, तो भी एक ये माइनस पॉइंट हो सकता है दोस्तों। इसमें देखो एक लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये फिलहाल तो दिक्कतें थोड़ी रहेंगी, 1-2 क्वार्टर के लिए आप इसमें देख निगाहें डाल के रखिए, लेकिन फिर भी मेरा इसमें अभी देखो एक बॉटम पर ही चल रहा है, तो मेरा एक इसमें मेरा मानना है कि देखो इसमें एक से आपके पोर्टफोलियो का 1-1.5% से ऊपर मत लगाइए, 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो तो उसमें 10 से 15 हज़ार से ऊपर तो डालिएगा ही मत इसमें पैसा, वो भी किस तरह से डालिएगा देखो, मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालिएगा इसमें, जैसे कि करंट मार्केट पैसा भी 2-2-4-0 चल रहा है, तो एक शेयर ले लो सिर्फ,
फिर जैसे 100 रुपया और गिरता है, 2140 होता है तो उसमें, और तो उस पर 2 शेयर ले लीजिए, फिर और समझो 2040 तक होता है तो 4 शेयर ले लीजिए। लेकिन ये भी देखिए ध्यान, 4 शेयर भी मत लीजिएगा, जब अगर ज़्यादा गिरावट आ रही तो रुक रुक जाइए यहाँ पर, गिरने दो, गिरने दो जितना गिरता है। लेकिन जब जब यही लेवल पर आए, 2040 के ऊपर क्रॉस होने लगे तो आप 4 शेयर ले लीजिए, नहीं तो अराउंड 15,000 के आस पास आप लगाइएगा इसमें। बस इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अब इसमें अभी बहुत दिक्कतें चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों इसमें आप थोड़ा वेट कीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।